सगाई के 6 दिन बाद ग्वालियर में एक नाबालिग लड़की अपने घर से जेवर और नकदी लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। लड़की ने आलू के पराठे बनाकर अपनी मां और एक अन्य सदस्य को खिलाए, जिसके बाद दोनों बेहोश हो गए। सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, तब घर वालों को घटना का पता चला। ये घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की नारायण विहार कॉलोनी की है। दरअसल लड़की का पिछले एक साल से मोहर सिंह नाम के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब परिवार ने इस बारे में जानकारी हासिल की तो उन्होंने मोहर और उसके परिवार पर संबंध तोड़ने का दबाव डाला। इस बीच बीते सोमवार को परिवार वालों ने लड़की की एक दूसरे लड़के के साथ सगाई कर दी, लेकिन रविवार रात वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इस पर लड़की की माँ ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मान जी देवी, आपका ये हुआ, मेरी लड़की ने खाना बनाया आलू के पराठे खा के सो गई। फिर मेरे का पता नहीं क्या सुना दिया तो लड़की भी चली गई, जेवर भी ले गई, पैसे भी ले गई। वो लड़का ऐसा, फिर मेरे को पता नहीं हुआ तो गली वाले ने जगाया है, मोहसिन के साथ गई है और जानते थे, एक साल हो गई। जे ये लड़का था, मैं भी थी, उसको ही थी, वे आलू के पराठे बनाए थे, वही खाया है बस। सुबह जगह पर आया, बिस्तर देखे, रेवारा देखा, जब मालूम करी कुछ हाँ सम्मत कर दिया जी। नहीं, लोकल करे बंसीपुराम। लड़का तो हो गए 5-6 महीने, 1 साल हो गए, नहीं घर पे नहीं है जी। बात फ़ोन पर करा था, हाँ पढ़वे जाती ना तो सहेली के साथ साथ में फ़ोन करा था, तो वो फ़ोन में वो फ़ोन पर कर लिया, तो मैंने पढ़वा बंद कर दिया। तो कुछ बात नहीं थी, मतलब फ़ोन पकड़ गया तो बिन्ने कि हम पे लड़के को डांट लिया, तो फिर लड़की को डांट लियो, तो बात कुछ नहीं। तो मैंने अपने संबंध कर दिया, पूछी कि तुम राजी है, ओके नहीं तो हम संबंध करेंगे, नहीं पापा हमारा संबंध करो, हमने संबंध कर दिया। अभी तो कराए सोमवार को, 3 साल 2-3 महीना कम है, 3 तो कन्नो नहीं है, एक बेंट वाली, एक 8 लरे वाली और एक मतलब 3 गुच्छा वाली आती नहीं लटकाने वाली, ते 4 अंगूठी, 3 मर्दान, वो एक मर्दानी, 3 जनानी और मेरा मंगलसूत्र, मेरी झुमकी, 4 नाक की बारी, 18 जोड़ी बीछिया, हाँ पैसे भी ले, एक गुल्लक भी ले गई, एक 1 लाख रुपये नकद ले गई, बैंक से निकाल के ले आए ना। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने पर छानबीन शुरू की गई। इस पर थाना प्रभारी ने क्या कहा, सुनिए। ऐसा एक प्रकरण आया है नारायण विहार से, नाबालिग बच्ची अपने घर से जेवर लेके ऐसा कुछ चली गई है, कहाँ गई है ये प्रकरण पंजीबद्ध कर इसकी विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे आगे बताया जाएगा। ये तो अभी तथ्य जाँच में आएंगे सामने, बाकी ऐसे जेवर ले जाने वाली बात आई है, बाकी सारे जो तथ्य जांच में सामने आएंगे, उसके बाद ही अपन कुछ बता पाएंगे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और प्रेमी जोड़े की तलाश शुरू कर दी है। इससे जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लोकल 18 के लिए ग्वालियर से वेंकटेश की रिपोर्ट।